Good morning, class 5. Today we will do why railways are important to us. Railway carry large amounts of goods from one place to another. Railway जो है बहुत ज़्यादा goods एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है. The trains cover long distance in a relatively short periods of time. Train क्या करता है, long distance को बहुत जल्दी cover करता है. Short period, अगर हम लोग को बहुत दूर जाना है, suppose हम लोग को दिल्ली जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, train से जाएंगे. जल्दी जाना है तो हम लोग train से जाएंगे. By road से तो नहीं जा सकते. अगर road से जाएंगे तो बहुत time लगेगा, तो हम लोग train से जाते हैं. दिस दे आर चीपर एंड फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. रेलवे जो होता है, ट्रेन जो है, चीपर और फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. सस्ता भी है और बहुत तेज भी है. सपोज इफ यू वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, अगर दिल्ली जाना है तो बहुत जल्दी पहुँचना है, तो हम लोग प्लेन से तो जा सकते हैं जो बहुत जल्दी पहुँचा देगा, लेकिन वो क्या है, एक्सपेंसिव है. लेकिन ट्रेन जो है एक्सपेंसिव नहीं है, वो चीपर भी. हम लोग अगर राजधानी में जाए तो जल्दी भी पहुँच जाएंगे और चीप, प्लेन से चीप है. थाउजेंड ऑफ पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर बाई ट्रेन एवरी डे. हर रोज़ थाउजेंड ऑफ जो पीपल है एक जगह से, एक शहर से दूसरी शहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं. द रेलवे लिंक्स द एरिया ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विद प्लेस वेयर देयर आर इंडस्ट्रीज दैट रिक्वायर्स रॉ मटेरियल्स. रेलवे क्या करता है, रेलवे लाइन का लिंक है कहाँ, इंडस्ट्रीज से, और जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज पाया जाता है, जैसे कि कोल है, आयरन ओर है, ये सब जगह चीज़ जहाँ नेचुरल रिसोर्स पाया जाता है वहाँ से रेलवे ट्रैक रहता है जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल आयरन ओर को पहुँचाता है इंडस्ट्रीज में. द फिनिश प्रोडक्ट आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट्स बाई रेलवे. उसके बाद जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो भी ट्रांसपोर्ट होता है रेलवे से, एक जगह से दूसरी जगह. नाउ कम्स द वाटरवेज. वाटरवेज क्या है, जैसे शिप, पानी से जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं वाटरवेज. अ वाटर इज एनी नेविगेबल बॉडी ऑफ वाटर विच इज़ डीप एंड वाइड एनफ टू फैसिलेट द पैसेज ऑफ वेसल्स. वेसल्स मतलब शिप. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग पीपल, गुड्स एक्सेट्रा बाई बार्क बोट, शिप और सेल बोट ओवर सी, ओशन, लेक, कैनल और रिवर. जब हम लोग शिप से, बोट से, सेल बोट से, जब हम लोग सी, ओशन, कैनल और रिवर से जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे हम लोग वाटरवेज कहते हैं. पोर्ट्स एंड हार्बर्स आर डेवलप ऑन वाटर बॉडीज. पोर्ट्स और वाटरवेज के लिए हम लोग को चाहिए पोर्ट्स एंड हार्बर. तो पोर्ट्स एंड हार्बर्स डेवलप किया जाता है वाटर बॉडीज़ में. वाटर बॉडीज़ मतलब सी साइड में, ओशन में या रिवर साइड में. दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, स्टोरेज एंड रिपेयरिंग ऑफ शिप एंड ट्रेन. बट अगर जब शिप से सामान आएगा तो वो कहाँ रखा जाएगा या कहाँ हॉल्ट करेगा, उसके लिए पोर्ट्स एंड हार्बर चाहिए. अगर शिप खराब हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गया तो इसके लिए स्टोरेज के लिए जो सामान जब उतरता है शिप से तो उसको रखा जाता है. ये सब सारे चीज़ के लिए पोर्ट्स और हार्बर ज़रूरत पड़ता है. नाउ हार्बर, व्हाट इज़ हार्बर. हार्बर इज़ अ प्लेस वे शिप में शेल्टर फ्रॉम वेदर और अ स्टोर. हार्बर कैन बी मैन मेड और नेचुरल. हार्बर कौन सा जगह है, हार्बर वो जगह है जहाँ शिप शेल्टर लेता है जब वेदर ख़राब हो जाता है. और ये जो हार्बर है ये मैन मेड है, आर्टिफिशियल है. आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरल भी होता है. नाउ टिल हियर टुडे, नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद द चैप्टर. थैंक यू.